हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग स्पॉइंट। मैं अनामिका आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो ज़्यादातर सभी लोग को पसंद है। मैं बात कर रही हूँ मैंगो शेक की। गर्मियों का मौसम आ गया है और मार्केट में आम भी आने लगे हैं। आम तो सभी लोग को पसंद आते हैं, अक्सर लोग मैंगो शेक पीने बाहर जाते हैं। तो चलिए देखते हैं मैंगो शेक कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे मैंने 4 आम ले लिए हैं। ये 4 से 5 लोगों के लिए है। 1 कप मैंने यहाँ पे ठंडा दूध ले लिया है। अब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ले ली हैं। 2 चम्मच मैंने गरी पाउडर ले लिया है, चीनी स्वाद के अनुसार, टूटी फ्रूटी से चेरी भी बोलते हैं, कुछ बादाम के टुकड़े ले लिए हैं मैंने। अब यहाँ पे आम को छील लिया है मैंने और इनके टुकड़े कर लिए हैं। यहाँ पे एक मैंने मिक्सी जार ले लिया है और आम को इसमें मैं डाल रही हूँ। अब इसमें चीनी डाल दें, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर कम मीठा पीना चाहते हैं तो कम चीनी डालिए, अगर ज़्यादा पीना चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं ठंडा दूध है उसे डाल रही हूँ। तो अब इसका मिक्सी के जार का ढक्कन बंद करके इसे चला देना है। 1 मिनट तक चलाइए इसे। अब मैंने मिक्सी के ढक्कन हटाया है जार का। अब ये पिस गया है, इसके बाद इसमें मैंने आइस क्यूब्स हैं उन्हें से डाल दिया है और एक बार फिर से 1 से 2 सेकंड तक चला देना है। मैंगो शेक बनकर रेडी है, अब इसे सर्व करते हैं। तो 1 ग्लास मैंने ले लिया, इसमें मैं मैंगो शेक डाल रही हूँ। अब इसके बाद ये जो घिसी हुई गरी है इसे डाल रही हूँ मैं। आप यहाँ पे रूह अफ़ज़ा का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैंने कुछ बादाम के टुकड़े डाल दिए हैं। आप इसकी जगह काजू भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये टूटी फ्रूटी इसे डाल दिया है मैंने, बताया इसे, कई लोग इसे चेरी भी बोलते हैं। तो मैंगो शेक बनकर बिल्कुल रेडी है। आप भी इसी तरीके से घर पे बनाइए और पीजिए। मैंगो शेक की रेसिपी आप सभी लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ 1 लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मैं फिर मिलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।